इंदौर शहर में लगातार आवारा श्वानों का आतंक बढ़ता जा रहा है। गली मोहल्लों में हर कहीं आमजन के लिए परेशानी का कारण बने हुए हैं। हालांकि नगर निगम ने इन्हें पकड़कर उनकी नसबंदी करने का दावा तो किया है, लेकिन इससे आम आदमी की दिक्कतें दूर नहीं हो रही। आपको बता दें कि शहर की हर गली मोहल्ले में श्वान घूमते हुए नजर ही आ जाएंगे। महिलाओं और बच्चों के साथ बुजुर्गों के लिए भी ये खतरनाक होते जा रहे हैं। डॉक्टर्स की माने तो महीने दर महीने कुत्तों के काटने के मरीजों की संख्या बढ़ रही है। वहीं नगर निगम इन्हें पकड़कर नसबंदी करने का दावा कर रहा है, लेकिन शहर से बाहर करने पर आम आदमी को ही राहत मिलेगी। इंदौर शहर में कुत्ता काटे और जानवरों से काटे काफी मरीज अस्पतालों में आ रहे हैं। विगत दिनों में 2500 से 3000 मरीज पिछले महीने आए। ये संख्या लगातार बढ़ती जा रही है क्योंकि जनता में अब अवेयरनेस काफी है। मीडिया के थ्रू इतनी जागरूकता है कि लोग काटे वैसे तुरंत आ जाते हैं हॉस्पिटल, इसलिए भी कुछ संख्या में बढ़ोतरी हुई है। दिनों में काफी केसेस अस्पताल में आ नगर निगम प्रयास कर रही है नसबंदी कर रही है, पर नंबर ऑफ केसेस तो टॉप पॉइंट के बढ़ रहे हैं क्योंकि नसबंदी के बाद उसी एरिया में छोड़ देते हैं और वायलेंट हो गए और कांटे लगते हैं। वो आगे इसका नतीजा इसका नसबंदी का 4-5 साल बाद दिखेगा जब इनकी संख्या कम होगी। फिलहाल तो डॉक्टर की संख्या उतनी है, पॉइंट की केसेस भी उतनी है। किसी को भी ऑपरेटिव ट्रॉमा के बाद तो उसका ये वो नेचर ही होता है, तो नेचुरली वो एग्रेसिव तो हो। तो दूसरा आजकल खाने की प्रॉब्लम है, उनको इतना रूटीन में जिस हिसाब से कॉलोनी में पहले खाना मिलता था और कचरे के ढेर से खाते थे वो सब बंद हो गया। स्वच्छता के कारण बिल्कुल ढेर है, खाने को बिल्कुल नहीं मिलता, इसके कारण भी वो वायलेंट होकर काटते हैं।